इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत के वज़ीर आज़म दो दिन के लिए बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल और शेख मुजीबुर रहमान की यौम पैदाइश के इजलास में वज़ीर आज़म ने शिरकत फरमाई, पर इन्हें यहां पर मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक भारत में हिंदू फर्स्ट एजेंडे पर वज़ीर आज़म कामों को अंजाम दे रहे हैं और अक़लियती समाज पर ज़ुल्म ज़्यादती का इल्ज़ाम एहतजाज करने वालों ने लगाया। इस एहतजाज में पुलिस फायरिंग से मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। बांग्लादेश में मुस्लिम तंजीमों इदारों की जानिब से मोदी की आमद पर एतराज जताते हुए कहा है कि भारत में मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानूनों को नाफिज कर रही है। अल जजीरा ने भी इस बात की खबर को सुर्खियों में बताते हुए कहा कि भारत के वजीर आजम की मुखालिफत इसलिए हो रही है कि हिंदुत्व का एजेंडा इसकी हुकूमत की जानिब से चलाया जा रहा है। आज जुमा होने की वजह से ढाका के बैतुल मुकर्रम मस्जिद में हजारों की तादाद में एहतजाजियों ने गो बैक मोदी का नारा लगाया। मुख्तलिफ एहतजाज में तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोगों को शदीद जख्मी होने की खबर हासिल हुई। 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पिछले कुछ अरसे से भारत के वजीर आजम जहाँ कहाँ भी जा रहे हैं एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। किसान एहतजाज को लेकर कनाडा पार्लियामेंट में तक मोदी मुखालिफ नारे लगाए गए। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में भी NRC, CAA और अब किसानों की मुखालिफत में काले कानून को मंजूरी देकर दुनिया भर में आवाम की नाराज़गी का सामना मोदी हुकूमत को करना पड़ रहा है। ख़ासकर वज़ीर आज़म की इस बांग्लादेश में हुई मुखालिफत की दुनिया के मीडिया ने इस पर तस्करा किया है। वैसे अक्सर वज़ीर आज़म मोदी हुकूमत के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर ही रहते हैं, पर कोरोना आलमी वबा के मद्देनज़र आलमी सफ़र पर जाना मुमकिन न हो सका। लिहाजा कोरोना के बाद पहली मरतबा बांग्लादेश के दो दिन के दौरे पर जाना हुआ, पर पहले ही दौरे में इनके खिलाफ एहतजाज देखने को मिला। वैसे भारत के पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, पर अब कुछ सुधरते नज़र आ रहे हैं और कोशिश भी करती दिख रही है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी से हमारे ताल्लुकात जब से मोदी हुकूमत आई है तलख रहे हैं। अक्सर मोदी हुकूमत पर मीडिया के जरिए झूठ फैलाने के भी इल्ज़ाम लगते रहे। चीन और पाकिस्तान को लेकर भी कुछ इसी तरह की बात कही जाती है। चीन और भारत तनाज़ा हो या पाकिस्तान से तारीखी दुश्मनी हो, आज भी भारत के अतराफ में मुल्क के हक में कुछ साजगार माहौल नहीं है। दुनिया के अक्सर देशों में वज़ीर आज़म को हिंदू नेशनलिस्ट की नज़र से देखा जाता है और यह मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कई इल्मी दानिश्वरों का कहना है। भले ही कुछ अंधभक्तों को यह ठीक न लगता हो कि वज़ीर आज़म एक अवतार के तौर पर ज़हूर पज़ीर हुए हैं, लेकिन आलमी सतह पर भारत की तस्वीर दागदार होती नज़र आ रही है, जिसे हम तमाम भारतीय आँख मूंद कर बैठ नहीं सकते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।